अपनी जमीन पे कब्जा किया है, तेरी पे किया। हम नहीं मुआवजा तो लेके घेर नहीं रहे। अगर कोई किसान मुआवजा लेने के बाद एक विशेष जमीन पे भी कब्जा करता है तो हम कहेंगे किसान की गलती। लेकिन जब हम मुआवजा नहीं ले रहे और अपनी जमीन पे अपने बच्चों को बसाने के लिए रखना चाहते हैं, 10 साल बाद 2 साल बाद 4 साल बाद कहां जाएंगे हमारे बच्चे, तो फिर क्या परेशानी है इस सरकार को? इसे तो जमीन एक्वायर करनी है और आगे तक चली जाए, या तो लखनऊ तक एक्वायर करती रहे, तुझे क्या दिक्कत है? तेरे लिए तो कानून एक ही है, तमाम प्रदेश का अधिग्रहण का नियम एक ही है, आगे और 10 गांव कर लीजिए, यही इन्हीं गांवों को उजाड़ना है। और मैं एक बात पंचायत की अनुमति लेके कह रहा हूं, माननीय अजीत सिंह जी, मैं आपको कहना चाहता हूं, सब लोगों को बताना चाहता हूं, एक हांडी दो पेट कभी नहीं होते। जाओ, आज फैसला हो गया आबादी का। मैं इन सब किसानों की तरफ से कहना चाहता हूं, अकेले एक गांव में, एक गांव बादलपुर जो मायावती जी का पैतृक गांव है, उसमें जितने मायावती जी बहन भाई हैं और जितनी जमीन की धारा 41 करा ली है, आबादी दर्ज करा ली है, 98 बीघा जमीन पे मकान है 100 बीघा जमीन पे अकेले बादलपुर में, 220 बीघा जमीन पे मकान है बुलंदशहर की मामन रोड पे, 400 बीघा जमीन पे मकान है खुर्जा में, और प्लॉटों की तो गिनती नहीं है यहां नोएडा ग्रेटर नोएडा। मैं सबको छोड़ता हूं, मैं आपकी अनुमति लेना चाहता हूं इस पंचायत की, जितनी जमीन सारे बहन भाइयों पे मायावती जी के हिस्से में आ रही है बादलपुर में, उतनी उतनी जमीन एक एक नाम पे छोड़ते चले जाए, कानून पास। जितने बहन भाई मायावती जी हैं वह 100 बीघे जमीन है बांट के, जिसमें आबादी दर्ज हो चुकी है और वो उन बहन भाइयों के आबादी का मकान बन गया है, काम आज भी चल रहा है, उतनी जमीन इस क्षेत्र के किसान को आबादी में छोड़ दी जाए एक नाम पे। ये सारा इलाका सहमत है भाई मेरी बात से, धन्यवाद। एक बात और कहना चाहता हूं, हमारे वीरपाल यादव जी बैठे हैं, कमलेश बाल्मीकि जी सांसद हैं हमारे बुलंदशहर से ही, वो भी बैठे हैं, माननीय अजीत सिंह जी नेता हैं, वो यहां मौजूद हैं। पहले तो मैं इन सब लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने ऐसे मौसम में हमारे किसानों की नाराजगी और परेशानी में आने का समय दिया, मैं बहुत आभारी हूं, आप सब लोगों की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। एक बात कहना चाहता हूं कि एक अधिग्रहण का बिल लोकसभा में लंबित, सोनिया जी भी यहां आई थी दादरी में, कांग्रेस के और भी बड़े बड़े नेता हैं, लोगों ने दीवारें भी पोती, दीवारों पर लिखा अधिग्रहण बिल पास करो, सोनिया जी को ज्ञापन भी दिया, कांग्रेस के नेताओं ने कहा भी कि इस लोकसभा में बिल पास हो जाएगा, इस क्षेत्र के किसान दिल्ली लोकसभा में भी गए, लोगों से मिले भी। लेकिन अब जो मुझे जो जानकारी है, ममता जी शायद नाराज हैं दीदी उस बिल से, और वो बिल पास नहीं हो रहा। अगर वो बिल